अपनी आंखों को बंद करो फिर से, बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, तूने अपने बड़े नाम से अपने वचन को ज्यादा महत्ता दी। खुदावन ये तेरा वचन, जैसे तेरा दास दाऊद भी कहता है, ये सोने और चांदी, ये कुंदन से, हीरों से भी अनमोल है। इसलिए वो कहता है, मैं तेरा वचन पाकर इतना खुश हुआ जैसे कोई बड़ी लूट का खजाना मुझे मिला। आज वही खजाना परमेश्वर आप मुझे उसका वारिस बना चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सुनो एक चीज, मैं कई कई बार जब घर जाता हूं ना, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे पता है कि जो चीजें आप मेरे मुंह से बोलते हो ये बड़ी पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपको वही ऐसी चीजें देगा जिससे आप बढ़ोगे, जो आपको जरूरत है। जैसे डॉक्टर, जो डॉक्टर होता है तो वो सब मरीज को एक ही जैसी दवाई देता है कि बदल बदल कर देता है, जैसा मरीज होता है वैसे ही देता है ना। तो परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए, ये स्पिरिट में मुझे मालूम हो गया, और परमेश्वर वो जानता है मुझे, हाँ, और मुझे भी समझ आ गई कि आपको क्या चाहिए। और वही चीज जब मैं परमेश्वर से बैठता हूं, बोलो क्या है ये वचन जो आप सुनते हो, ऐसे ऐसे नहीं है कि मैं आज आया घर से और मेरे मन में सोचा और बस चलो जी आओ मैं आपको बताता, नहीं, ये घंटों परमेश्वर के साथ बैठने के साथ, कई बार कई दिन बताने के बाद ये वचन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऐसे नहीं बस हाँ, जैसे ये बाइबल है, कहीं से भी मैं वचन निकाल कर बता सकता हूं ना, पर ऐसे नहीं होता। तो अगर आप में से कोई जानता है, हाँ आप भी पढ़ना जानते हो, तो कहीं से भी वचन निकालो और बताओ, आप बता ही नहीं पाओगे। इसका ऐसा विषय है परमेश्वर का, देखो कितनी ये बड़ी बाइबल है, बोलो क्या, तो मैं कहीं से भी निकाल कर आपको बता सकता हूं, तो सारा वचन तो किसका है, पर इसका ये विषय नहीं होता। अरे आएगा ही नहीं, अगर मैं कहीं से भी निकाल कर उसको आपको बताने लगूंगा तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। अगर वो वचन मुझे कौन ना दे, ऊपर से कौन ना दे, ये बड़ी बात है आपके लिए।